फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे लेडीज पैंट प्लाजो की कटिंग और स्टिचिंग। फ्रेंड, वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको मैं स्टेप बाय स्टेप हर चीज अच्छे डिटेल से समझाऊंगी। फ्रेंड, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट वाले पार्ट की, यानी कि फ्रंट वाला जो पैंट का पार्ट होता है, उस पार्ट की कटिंग करेंगे। ये मैंने इसको टू फोल्ड कर लिया है। देखिए, ओपन वाली साइड उधर है और बंद वाली साइड इस तरफ है। तो सबसे पहले हम अपनी लंबाई लेंगे प्लाजो पैंट की। ये देखिए, लंबाई है इसकी 38 इंच पे मैं एक निशान लगाऊंगी और नीचे मोड़ने वाला 2 इंच एक्स्ट्रा और ले लेंगे। तो मैं टोटल इसकी लंबाई लूंगी, देखिए 40 इंच पे मैंने निशान लगा लिया है। फ्रेंड, ये इसमें हमारे नीचे वाले जो फोल्ड होएगा ना, पैंट की मूरी में जो फोल्ड होता है, वो मैंने कपड़ा लिया है। बेल्ट की लंबाई लेंगे, देखिए 14 इंच पे मैं निशान लगाऊंगी फ्रेंड एक, और यहां से फिर अपनी खिसकत का निशान लगाएंगे। देखिए 16 इंच पे मैं ये निशान लगाऊंगी और इसको लंबा कर देंगे हम निशान को, और यहाँ पे हम एक स्क्वायर बॉक्स बना देंगे। स्क्वायर बॉक्स बन गया है देखिए हमारा यहाँ पे। अब ये बेल्ट वाले पार्ट को भी इसके साथ मिला देंगे बिल्कुल अच्छे से। अब हम इस साइड से भी देखिए 16 इंच पे एक निशान लगाएंगे। बंद वाली साइड में ये निशान लगा रही हूँ फ्रेंड। और अब हम देखिए यहां से 10 इंच पे एक निशान लगाएंगे, और इधर से भी मैं 10 इंच पे एक निशान लगाऊंगी। बंद वाली साइड ही लगा रही हूँ फिलहाल मैं निशान। और अब हम मूरी वाले पार्ट पे आ जाते हैं फ्रेंड। देखिए यहां से बंद वाली साइड से मैं 3 इंच आगे की तरफ एक निशान लगाऊंगी। 3 इंच पे मैंने एक निशान लगा दिया। अब मैं मूरी का लेऊंगी अपना मापा। देखिए 8 इंच की मुझे मूरी रखनी है, 8 इंच पे मैंने निशान लगा लिया है, और 1 इंच मैं एक्स्ट्रा रखूंगी। ये मेरा एक्स्ट्रा निशान है और ये मेरी मूरी होगी है फ्रेंड, जो नीचे पेंट प्लाजो की मूरी होती है। और ये जो हमने निशान लगाया था ना फ्रेंड 3 इंच का, इस निशान को हम इस 16 वाले निशान के साथ ऐसे मिला देंगे। इसके बहुत फायदे होते हैं फ्रेंड। अगर हम यहां से एक ये वाला कट देते हैं ना अपने प्लाजो पेंट में, तो हमारी प्लाजो पेंट कभी भी जैसे ऊपर नहीं चढ़ती इधर उधर से, ऐसे बिल्कुल नहीं चढ़ेगी। बहुत अच्छी फिटिंग रहेगी साइड से हमारी पार्ट की साइड में, क्योंकि ये फिटिंग की सिलाई होती है इधर, और ये पट वाली सिलाई होती है जो हमारे पार्ट की तरफ आती है। तो अभी हम यहां से देखिए अपनी थाई का माप लेंगे। 14 इंच मैंने ऊपर रखा था, यहां से मैं 15 इंच पे एक निशान लगाऊंगी और 2 इंच एक्स्ट्रा पे एक निशान लगाएंगे। और इस वाले एक्स्ट्रा वाले निशान को एक्स्ट्रा वाली जो हमारी मूरी की मार्किंग है उसके साथ ऐसे मिला देंगे। और खिसकत का ये निशान है देखिए, यहां से 1.5 इंच मैं ऐसे यहाँ पे एक निशान लगाऊंगी और इस निशान को ऐसे गोलाई के साथ मिला देंगे। ये हमारी कटिंग का पार्ट रहेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैंने बेल्ट का कपड़ा नहीं लिया है, लंबाई का ले लिया, और 2 इंच ये एक्स्ट्रा जो हमारा नीचे मुड़ेगा ये वाला मैंने कपड़ा लिया है। और ये हमारे फर्स्ट पार्ट की कटिंग हो जाएगी। देखिए यहां से हम इसकी कटिंग स्टार्ट करेंगे। ये बिल्कुल परफेक्ट जाती है फ्रेंड, इस तरह अगर आप कटिंग करेंगे ना। अब वापस हम इधर आएंगे और इस पार्ट की कटिंग करेंगे। इधर से ये बंद वाले साइड में कटिंग कर रही हूं। देखिए अभी ये गुलाई वाले पार्ट की कटिंग करेंगे, सेम ऐसे ही हमें। देखिए, और अभी इस पार्ट की कटिंग करके इसको अलग कर लेंगे। एक्स्ट्रा कपड़े को यहां से हटा देंगे और ये हमारा देखिए फर्स्ट पीस बनके बिल्कुल तैयार हो गया है फ्रेंड। आपको आई होप अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब हम करते हैं बैक पार्ट की कटिंग। बचे कपड़े को भी ऐसे ही टू फोल्ड कर लेंगे। उस साइड देखिए ओपन वाली साइड रहेगी और इस साइड बंद वाली। और जो हमने फर्स्ट पीस की कटिंग करी थी ना फ्रेंड, ये देखिए उसको इसके ऊपर ऐसे बिल्कुल सेट कर लेंगे। देखिए मैंने अच्छे से प्लेस कर लिया है बिल्कुल। अब हम क्या करेंगे, यहां से तो देखिए फ्रेंड बिल्कुल एज इट रहेगा इसकी कटिंग, जैसे हमने कर रखी है सेम डिटो वही पीस हमें सेट करना है इधर। यहां से हमने जहां पे देखिए ये लगाया था ना मैंने 1.5 इंच पे, मैंने निशानी को कट नहीं किया ताकि आपको अच्छे से समझा सकूं। तो ऐसे ही इससे आगे फिर हम 1.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे, और यहां से फ्रेंड 2 इंच पे मैं एक निशान लगाऊंगी। इसको इसके साथ ऐसे मिला देंगे लंबा करने के लिए। और यहां से हम सेम लगते हुए इस पे गोलाई पे ऐसे मार्क कर देंगे। देखिए बिल्कुल हम इसके साथ मिला देंगे। यहां से हमने एक्स्ट्रा ले लिया है 1.5 इंच। अब यहां से 2 इंच लिया है, यहां से हम 1.5 लेंगे, यहां से भी 1.5 लेंगे, यहां से भी, और पूरा यहां जाके हम इसको इसके साथ अटैच कर देंगे।
और देखिए फ्रेंड ऐसे हम इसकी कटिंग करेंगे। इस साइड से हमारी सेम रहेगी बिल्कुल कटिंग, देखिए। और यहां से हम एक्स्ट्रा 1 इंच नीचे से और लास्ट ये बीच में से 1.5 इंच और ऊपर से 2 इंच यहाँ खिसकत पे और यहां से गोलाई देते हुए देखिए ये मैं एक्स्ट्रा पे इसकी कटिंग कर रही हूं। यहां से ये एक सार मिल जाएगा और पूरा यहां से एक सार कट जाएगा। ये हमारा फ्रंट पार्ट हो गया फ्रेंड और ये हमारा बैक पार्ट हो गया। दोनों पार्ट की हमारी कटिंग यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब हम लगाएंगे इस पे पॉकेट की निशानी के लिए, देखिए 1 इंच है, 1 इंच नीचे में एक निशान लगाऊंगी। 1 इंच इसलिए लगाया क्योंकि 2 इंच पे यहाँ 2 इंच मतलब चौड़ी यहाँ पे बेल्ट लगेगी और 7 इंच हम उसका फेस रखेंगे अपनी पॉकेट का। तो ऊपर वाले पार्ट पे देखिए, ऊपर वाले पार्ट पे मैं ये 2 कट लगा दूंगी ऐसे, यहाँ पे ये हमने कट लगा दिए हैं। यहाँ पे हमारी ऐसे पॉकेट लग जाएगी दोनों तरफ। पार्ट को अलग कर देंगे, यहां से ये जुड़े होते हैं ना, यहां से इनको अलग कर देंगे। ये पॉकेट की निशानी देखिए दोनों पार्ट में आ गई है बिल्कुल, ऐसे ही नीचे वाले पार्ट को भी अलग कर देंगे। और चलते हैं अपनी मशीन की ओर, करेंगे इसकी स्टिचिंग। देखिए सबसे पहले मैं लूंगी फ्रंट पार्ट और मियानी वाला पार्ट लेंगे, अंदर की तरफ इसको सीधा रखेंगे और इस पार्ट पे हम ऐसे एक सिलाई लगा देंगे जैसे हमने इस पे कट लगा रखा है। गोलाई पे हम देखिए नीचे मियानी वाला पार्ट है, इस पे हम ऐसे ही सिलाई लगाएंगे। बैक पार्ट पे भी सेम मियानी वाले पार्ट पे सिलाई लगा लेंगे। और फ्रेंड हमारी जो ये सिलाई है फर्स्ट पार्ट की, इसको डबल कर लेंगे ताकि ये पक्की हो जाए। दोनों पार्ट की हम सिलाई को डबल कर लेंगे। देखिए आप ध्यान से देखिए फ्रेंड, जो सिलाई हमने लगाई थी ना उसको ऐसे सीधा रखेंगे नीचे की तरफ से और ऊपर से ऐसे प्लेन करते हुए बिल्कुल सिलाई के पास हम डबल सिलाई लगाएंगे। और देखिए ये हमारा नीचे बैक वाला पार्ट है और ये फ्रंट वाला पार्ट है। फ्रंट पार्ट पे लगाएंगे पॉकेट। देखिए ये मैंने पॉकेट का कपड़ा ले लिया है, ये मैंने लिया है 20 इंच इसकी लंबाई है और 6 इंच इसकी चौड़ाई है। फ्रेंड्स ये हमने देखिए जो कट लगाए थे ना, ये दो कट लगाए थे, उस कट के बिल्कुल ऐसे देखिए मैं रखूंगी इस कपड़े को। मैं आपको मार्किंग करके दिखाती हूँ, ऐसे हम इस पे सिलाई लगाएंगे। देखिए जैसे मैंने इस पे निशान लगाया है, पहले इधर लगाएंगे सिलाई, अब यहां पे ऐसे सीधी और फिर ऐसे घुमा के देखिए इस जैसे यहां से स्टार्ट की थी ऐसे इसको उतार देंगे सामने की तरफ, इसको सीधा करेंगे, पलटेंगे। देखिए ये अलग से निकल गया है पार्ट और ये इधर से अलग निकल गया। इसके ऊपर एक दबवा सिलाई लगा लेंगे, इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। देखिए और ऐसे ये बाहर से इसकी लुक आएगी। देखिए कितनी परफेक्ट फ्रेंड हमारी पॉकेट लग के तैयार हुई है। और नीचे वाले कपड़े पे देखिए मैंने ऐसे गोलाई में सिलाई लगा ली है। अब इसको ऐसे खोल लेंगे फ्रेंड और देखिए ये नीचे वाला हमारा कपड़ा है और ये ऊपर वाला कपड़ा है और ये मैंने बैक पार्ट ले लिया। इसके ऊपर ऐसे प्लेस करेंगे और ये सिलाई ना फ्रेंड हम इसके ऊपर लगाएंगे ऐसे, ये सिलाई हम नीचे वाले कपड़े पे लगाएंगे, ऊपर वाला जो हमने दबवा सिलाई लगाई है ना उस पे नहीं लगानी है हमें। देखिए ये बैक वाले पार्ट को हम इसके साथ अटैच करेंगे। और नीचे जो ये हमारा पॉकेट का एक्स्ट्रा पार्ट है इसको पीछे करते हुए देखिए, पहले ये हमारा फ्रंट पार्ट है। मैं बिल्कुल डिटेल में बता रही हूँ फ्रेंड्स, इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन ये गारंटी है कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा। एक सार करते हुए इस पर सिलाई लगा देंगे। अभी मैं आपको इसको खोल के दिखाऊंगी। इसको नीचे जो हमारा मूरी तक का पार्ट होता है ना फ्रेंड, दोनों पार्ट को ऐसे मिलाते हुए पूरा इस पर हम एक लंबी सिलाई लगा लेंगे। देखिए ये मूरी तक का पार्ट हमारा, यहाँ तक इस पे सिलाई लगा देंगे हम पूरा। ऊपर से लगाती हुई आ रही हूँ मैं, सिलाई को यहाँ पे निकाल लेंगे। और देखिए फ्रेंड कितनी परफेक्ट हमारी पॉकेट बनके तैयार हुई है। मेरा पूरा हाथ देखिए इसके अंदर ऐसे नीचे तक जा रहा है बिल्कुल पूरा। ये बिल्कुल अच्छा और सिंपल तरीका है अपने प्लाजो पैंट में पॉकेट लगाने का। अब सेम ऐसी सिलाई मैं इस कोने पे भी लगा दूंगी, ऐसे इसको अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए। पॉकेट मैंने दोनों तरफ लगाई है, आप चाहें तो एक तरफ लगा सकते हैं। मूरी वाला पार्ट लेंगे फ्रेंड और इसको देखिए नीचे से ऐसे हल्का सा फोल्ड करके थोड़ा बड़ा फोल्ड करेंगे और इस पे सिलाई लगाएंगे। ऐसे
ऐसे फोल्ड करते रहेंगे इसको हल्का सा। देखिए आप थोड़ा ज्यादा भी मोड़ सकते हैं अगर आपको थोड़ा नीचे से चौड़ी मूरी करनी है। मुझे इतना ही करना था, इसका इतना ही ऑर्डर आया है मुझे। देखिए मैं इतना लूंगी और इसको हल्का सा मोड़ूंगी अंदर से और ऐसे इसको शेप दे देंगे हाथ से। ये आसानी से हो जाता है बिल्कुल, जितना आपको मोड़ना है। ऐसे दोनों मूरी पे मैं सिलाई लगा लूंगी। देखिए फ्रेंड्स, दोनों मूरी पे मैंने सिलाई लगा ली है अपने प्लाजो की। ये हमारा मियानी वाला पार्ट है। देखिए यहां से मैं इसको ऐसे फोल्ड करूंगी फ्रेंड, और हल्का सा देखिए इतना सा मैं अंदर की तरफ फोल्ड करूंगी और यहां पे मैं सिलाई लगाना स्टार्ट करूंगी। इसमें हम रबर डालेंगे, वो वाला पार्ट मैं ये फोल्ड कर रही हूँ देखिए, और इसको ऐसे गोलाई में मैं फोल्ड करती चली जाऊंगी हल्का सा अंदर की तरफ ऐसे। और ये हमारी पॉकेट है, फ्रंट पार्ट की तरफ से हम सिलाई लगाना स्टार्ट कर रहे हैं और इसको ऐसे देते हुए इसके ऊपर हल्का सा फोल्ड करके, ताकि ये ऊपर से बंद हो जाए हमारी पॉकेट, इस पे हम सिलाई लगाएंगे। ध्यान रहे, देखिए जैसे नीचे हमारा कपड़ा आ गया था आपका ना जाए, ऐसे अपने कपड़े को नीचे से हटा के फोल्ड करके हम सिलाई लगाएंगे। और देखिए इतना सा हम गैप रख लेंगे। मैंने इलास्टिक ले लिया फ्रेंड, देखिए आप चौड़ी या पतली अपने हिसाब से ले सकते हैं। और इसकी अगर हम लेंथ की बात करें तो जितनी हमारी कमर का माप होता है उसे 3 इंच हमें इसको कम लेना होता है। और जो हमने ये गैप रखा है ना फ्रेंड, इसमें से मैं इसको ऐसे अंदर की तरफ डालते हुए उधर से घुमा के वापस यहीं पे ले आऊंगी इस कॉर्नर पे। देखिए ऐसे इसको पुश करते रहेंगे और इन दोनों पार्ट को हम ज्वाइंट कर देंगे अच्छे से। मैं इस पे डबल सिलाई लगा लूंगी। और इस ओपन वाले पार्ट पे भी हम सिलाई लगा लेंगे। देखिए अब हम अपनी मशीन को बीच में ले आएंगे फ्रेंड, ऐसे सुई उठा के और इधर ले आएंगे, ऐसे इसको लगा लेंगे इस पे। और देखिए ऐसे खींचते हुए बिल्कुल सेंटर में हमें एक सिलाई लगानी है अपनी मशीन की चाल को बड़ा करके। देखिए पीछे से खींचते रहेंगे। ये देखिए कितना अच्छा हमारा पीछे की तरफ बल बन रहा है। ऐसे इसको खींचते रहेंगे ऐसे प्रॉपर, और इस पे हम सिलाई लगा लेंगे। हमें सिलाई को खींच के लगाना है फ्रेंड्स, देखिए क्योंकि जब हम छोड़ते हैं देखिए पीछे की तरफ फ्रेंड्स कितने अच्छे बल बनते हैं। फिर ऐसे ही सामने की तरफ खींच के मैं सिलाई कंप्लीट कर लूंगी। देखिए कितनी परफेक्ट हमारी बेल्ट बनके तैयार हुई है दोनों तरफ से फ्रेंड। अब हम लगाते हैं इसमें फिटिंग की सिलाई। देखिए ये मैंने मूरी का निशान लगा लिया है, 8 इंच पे मैंने ये निशान लगाया है। आप कम ज्यादा अपनी पसंद का लगा सकते हैं फ्रेंड, अगर आपको खुला रखना है तो आप थोड़ा 1 इंच एक्स्ट्रा ले सकते हैं। देखिए इस पे डबल करके इस सिलाई को पूरी ऐसे म्यानी तक ले जाएंगे और दूसरी मूरी पे भी हम ऐसे ही सिलाई लगाएंगे। और फ्रेंड ये देखिए हमारा कंप्लीट प्लाजो बनके तैयार हो गया है। दोनों तरफ मैंने इसके पॉकेट लगाई है, एक इधर भी लगाई है और एक इस साइड भी लगाई है फ्रेंड्स। तो बताइए फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। देखिए मियानी वाला पार्ट भी कितना अच्छा बना है हमारा, बिल्कुल खुली हमारी मियानी बनी है। अगर फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो और सब कुछ अच्छे से समझ में आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।